अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको फैब्रिक पेंटिंग में डबल कलर से स्क्रैच वर्क शेडिंग का मेथड बता रही हूँ। इसके लिए जो सामान चाहिए होगा उसके अंदर है लाइट कलर का फैब्रिक, आप इसमें कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा है स्टेंसिल का डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से जो आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। ये वाला स्टेंसिल मैंने पहले यूज़ करा हुआ है तो आपको इसके ऊपर कलर लगा हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन हम एक स्टेंसिल को बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा है फ्लैट ब्रश, ये 2 और 4 नंबर का फ्लैट ब्रश मैंने लिया है कलर निकालने और कलर को मिक्स करने के लिए। इसके अलावा है टूथब्रश, फोम शीट, पेपर टेप, टिशू पेपर, बॉल के अंदर पानी है। इसके अलावा 2 फैब्रिक कलर मैंने लिए हैं। इसके अलावा है पानी कलर थिक हो तो उसमें डालने के लिए, और है कलर मिक्सिंग प्लेट। सबसे पहले हम कलर बनाएंगे, जो भी कलर हमें यूज़ करने हो और जितनी भी क्वांटिटी में हमें कलर यूज़ करना हो उसी हिसाब से ही जो है वो हम कलर निकालेंगे। कलर अगर थिक हो तो उसके अंदर ड्रॉप की सूरत में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आप इसमें इस चीज़ का ये ख्याल रखना है कि कलर आपका बहुत ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए। ज़्यादा लिक्विड कलर होगा तो वो फैलेगा और ख़राब होगा आपका काम। कलर बनाने के बाद फोम शीट का थोड़ा सा पीस लीजिएगा और उसको किसी भी प्लेट या ट्रे में पेपर टेप की मदद से इस तरीके से चिपका दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम डायरेक्ट जो है वो कलर यूज़ नहीं करते, हमें फोम पे लगाना होता है। फोम पे लगाने से ये होता है कि ब्रश में बहुत ज़्यादा एकदम कलर नहीं आता और स्टेंसिल यूज़ करते हुए हमारा काम ख़राब नहीं होता। स्टेंसिल यूज़ करने से पहले कपड़े के नीचे पहले कोई भी ब्राउन शीट या आप न्यूज़पेपर बिछा सकते हैं, ऊपर से कपड़ा रखिएगा। कपड़ा रखने के बाद स्टेंसिल रखेंगे और स्टेंसिल रखने के बाद आपने इसको पेपर टेप की मदद से कपड़े के ऊपर चिपका देना है, ताकि जिस वक्त हम इस पर कलरिंग का काम करें तो स्टेंसिल अपनी जगह से हिले नहीं और बिल्कुल ये फिक्स रहे। यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं ये टूथब्रश पे इस तरीके से मैंने कलर लिया। अब आपने क्या करना है, इसको इसी तरीके से रख के यहाँ पर कपड़े पे इस तरीके से हल्के हल्के फेरना है। इसके अंदर मैं ग्रीन कलर के साथ इसको मिक्स करूंगी। Thank you.
ये देखें मैंने इसको यहाँ पे पूरा फिल कर दिया है। अब मैं इसमें बनाऊंगी लीफ, और लीफ बनाने के लिए पहले मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा ग्रीन कलर थोड़ी सी क्वांटिटी में। ग्रीन कलर के लिए मैं दूसरा वाला ब्रश यूज कर रही हूँ। फोम से जब हम इस तरीके से ब्रश में कलर लेते हैं तो ब्रश में कलर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आता, क्योंकि जिस वक्त आप स्टेंसिल यूज़ कर रहे होते हैं अगर ब्रश में कलर एकदम बहुत ज़्यादा होगा तो स्टेंसिल के डिज़ाइन में कलर फैल जाता है। तो जब भी कभी स्टेंसिल आप यूज़ कर रहे हों तो आप पहले फोम शीट के ऊपर कलर लगाएं, उसके बाद आप इस तरीके से ब्रश पे कलर लेके फिर काम करें। आप चाहें तो इसके अंदर जब शेड का स्ट्रोक दे रहे हैं तो थोड़ा सा फ्लावर तक भी स्ट्रोक लेकर आ सकते हैं, ताकि फ्लावर की पैटर्न में थोड़ा सा डार्क शेड आ जाए। क्योंकि जब हम दो कलर यूज़ कर रहे होते हैं और दो कलर मिलके जब तीसरा कलर बनता है तो उसका शेड भी इस वाली टेक्निक में अच्छा लगता है। तो अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से कलर को एक दूसरे में मिक्स कर सकते हैं। जब पेंटिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसके ऊपर से स्टेंसिल को हटा देंगे। ये कंप्लीट है। अब जिस वक्त आपका कलर ड्राई हो जाए तो इसके बैक साइड पे 4 से 5 मिनट तक आयरन कीजिएगा। फैब्रिक कलर आयरन करने से फिक्स हो जाते हैं कपड़े पे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।